हेलो दोस्तों, राधा स्वादा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। इसे हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। इसे आप गेहूं के आटे का चीला भी कह सकते हैं और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होता है। साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी सब्जियों का यूज़ किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस नाश्ता को बनाना शुरू करते हैं। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में या फिर सुबह के ब्रेकफास्ट में बना के खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ता को बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक बोल में लगभग 1.5 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। इसके साथ हम डाल देंगे 1/3 कप बेसन। बेसन डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद मैं इसमें सब्जियों को डाल रही हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे 1/2 कप बिल्कुल बारीक कटा हुआ गाजर डाला है। साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्याज डाला है बारीक कटा हुआ, थोड़े से मैंने बीन्स डाले हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पे पालक लिया है। पालक को मैंने गर्म पानी में डाल दिया था 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसे निकाल के इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। पालक सॉफ्ट हो जाते हैं और ये 1/2 कप मैंने यहाँ पे पालक लिए हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, और 1/2 छोटी चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर। 1/2 छोटी चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे जीरा, और 1 से 1.5 छोटी चम्मच के करीब मैं यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और अब हम इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो पानी हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे, और एक जो चीला का घोल जिस तरह से होता है थोड़ा सा लिक्विडी सा, उस तरह का हम यहाँ पे ये जो नाश्ता है इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आटे का यूज़ किया है, आप चाहे तो यहाँ पे सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह का हमने बैटर तैयार कर लिया इस नाश्ते के लिए, और इसकी मैं कंसिस्टेंसी आपको दिखा रही हूँ इस तरह का, जो चीला बनाने के लिए हम बैटर तैयार करते हैं। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने एक पैन रखा है गर्म होने के लिए, और इसमें हम 1 चम्मच के करीब तेल डाल देंगे। तेल को हम पूरे पैन में अच्छे से फैला लेते हैं। यहाँ पे मैं जो नाश्ता बना रही हूँ बड़े साइज़ का बना रही हूँ, आप इसे छोटे छोटे पैनकेक्स जैसा भी बना सकते हैं। और अब हम इसमें 2 बड़ा चम्मच के करीब ये जो हमने बैटर बनाया है आटा और सब्जियों को मिक्स करके, उसे हम इस तरह से डालेंगे और इसे हल्का सा फैला देंगे, इस तरह से थोड़ा सा पतला कर लेंगे, और लो फ्लेम पे हम इसे सिकने देंगे जब तक कि इसका जो ऊपर का हिस्सा है बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, लगभग 2 से 3 मिनट मैंने इसे लो फ्लेम पे सेका है, और ये देखिए ऊपर से ड्राई हो गया। इसे हम पलट लेते हैं और दोनों साइड से हम इसे सेक लेंगे थोड़ा सा ऑयल डाल डाल के, ताकि बिल्कुल अच्छे से दोनों साइड से क्रिस्प हो जाए। ये जो नाश्ता है आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चे सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इस तरीके से उन्हें चीला या फिर पैनकेक बना के देंगे तो बहुत ही इजीली खा लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस नाश्ता को बहुत ही अच्छे से सेक लिया दोनों साइड से, और ये बिल्कुल क्रिस्प सा हो गया है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट पर, और बाकी का जो चीला या फिर आटे का नाश्ता है उसे हम सेक लेंगे। बहुत ही झटपट से ये बनके तैयार हो जाता है नाश्ता, और आप सुबह के ब्रेकफास्ट में इसे बना सकते हैं क्योंकि बहुत ही हेल्दी है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। इसे आप केचप या फिर चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, गेहूं के आटे का बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट या फिर नाश्ता बनके तैयार हो गया है, और ये जो नाश्ता है बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। आप इसे सुबह के ब्रेकफास्ट में या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, और बहुत सारी सब्जियों को डाल के बनाएं ताकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बने। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये नाश्ता की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएँ। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की और भी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।